नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। मैं लता सिंह, आज मैं आपके साथ परफेक्ट डोसा का बैटर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आपका डोसा क्रिस्पी बनेगा। डोसा का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी चावल। चावल आप कोई से भी ब्रांड के ले सकते हैं। 1 कटोरी उड़द की दाल। दाल हम चावल की आधी लेंगे। 2 चम्मच चने की दाल है, इससे हमारा डोसा बहुत ही करारा बनता है। 1/2 कटोरी से थोड़ा कम पोहा है। 1 चम्मच मेथी दाना है, और मेथी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। दाल चावल को हम अच्छे से धोएंगे और पानी में 7-8 घंटे भिगो करके रखेंगे, लेकिन पोहा को नहीं भिगोएंगे। मेथी दाना को भी भिगो करके रखेंगे। हमारे दाल चावल को भीगे हुए 8 घंटे हो गए हैं। दाल चावल का पानी भी निकाल दिया है। अभी इनको हम मिक्सी में पीसेंगे। पहले हम पोहा डालेंगे, ये मेथी दाना, ये चने की दाल। पहले हम इन तीनों चीज को पीसेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी और डालेंगे। एक साथ में पूरा पानी नहीं डालें। दाल चावल के साथ अगर हम इसको पीसेंगे तो मेथी दाना और चने की दाल मोटी रह जाएगी, अच्छे से पिस नहीं पाएगी, इसलिए हमने मेथी दाना और चने की दाल को अलग से पीसा है। दाल चावल जार में डाल दिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। इस तरह से हम सारे दाल चावल को पीस लेंगे। हमको इस तरह से दाल चावल को पीसना है। अगर बैटर आपको गाढ़ा लग रहा है, जब आप डोसा बनाएं तब पानी मिला सकते हैं। अब हमारे बैटर को 8 घंटे हो गए हैं और इसमें खमीर उठ गया है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बबल्स उठ रहे हैं। इसकी पहचान होती है कि इसमें अच्छा खमीर उठा है। डोसा के लिए इस तरह का बैटर होना चाहिए। आप इस बैटर को फ्रिज में रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक चल जाता है। आपका जब मन हो तभी आप डोसा बनाएं और खाएं। तरह से बैटर बना करके जरूर ट्राई करें, आपके डोसा बहुत ही अच्छे बनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।